गीता का मूल ज्ञान, गीता का पवित्र ज्ञान, इसको समझाया जाएगा, जो हमारे सनातन धर्म की नींव है। आज उस सनातन धर्म के बारे में बताया जाएगा कि सनातन धर्म आखिर होता क्या है, हम सनातनी बने तो कैसे बने, क्या केवल किसी हिंदू परिवार के घर में जन्म लेकर हम सनातनी हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। सनातन आखिर कहते किसे हैं, सनातनी के लक्षण क्या हैं, आज उस पर विचार करेंगे। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी ने भरपूर ज्ञान दिया, बहुत समझाया, अर्जुन को भी समझाया और अर्जुन के बहाने हम लोग को भी समझा दिया। जब अर्जुन को समझाया तो केवल और केवल तीन लोग और थे जो उस ज्ञान को सुन पा रहे थे, बाकी सारी फौज स्थिर कर दी, रोक दी, समय को रोक दिया गया था। पता है ना, उस गीता के ज्ञान को पूरे युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं सुन पाया। किस किसने सुना था? धृतराष्ट्र ने। किसने सुनाया था? संजय ने। एक और था, कौन था वो? बर्बरीक। इन तीनों ने इस ज्ञान को सुना, लेकिन आज वही गीता के माध्यम से उस ज्ञान को पूरा संसार सुन रहा है। आप इंग्लैंड में जाके देखो तो अंग्रेजी में गीता छपी हुई है, आप पुर्तगाल में जाके देखो तो पुर्तगीज में, अलग भाषा में गीता छपी है, स्पेन में जाओ तो स्पेनिश में छपी है, जापान में जाओ जापानी में छपी है, हर भाषा में गीता छप चुकी है। लेकिन उसके जो रहस्यमयी ज्ञान है उसका, उसको कोई समझ नहीं पा रहा। आज उसी ज्ञान को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर गीता का ज्ञान है क्या, और इनको श्लोकों के माध्यम से बताया जाएगा। गीता में श्लोक हैं, उन श्लोकों में जो गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है उसके माध्यम से आपके सामने गीता का ज्ञान रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कृष्ण जी के अनुसार और जितने महापुरुष हुए हैं उनके अनुसार इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, मात्र दो प्रकार के। अध्याय दो पढ़ोगे इसमें पूरा जिक्र है। दो प्रकार के तत्व कौन से हैं? एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य क्या है, सत्य क्या है, इसके बारे में गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता है और मर जाता है, जो बनता है और बिगड़ जाता है, वो क्या है? असत्य है। जो पल पल बदलता रहता है वो क्या है? असत्य है। अब क्या चीज है जो पल पल बदल रही है, क्या चीज है जो जन्मती और मरती है, क्या है जिसका जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है? ये काया, ये शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर, सबका शरीर। पैदा हुआ, जब पैदा हुआ छोटा सा था, 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, धीरे 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 बड़ा होता गया, होता गया, होता गया, देखो आज कितना बड़ा होके बैठा हुआ है। वही शरीर अब पल पल बदल रहा है, जन्मता और मरता है, तो ये असत्य है, झूठ है। जितने भी संसार इस शरीर में है, जितने भी शरीर इस संसार में है, सब झूठ है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जिसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो सत्य है। तो क्या है सत्य? ऐसी कौन सी चीज है
जो जन्मती नहीं है, मरती नहीं है, बनती नहीं, बिगड़ती नहीं है, क्या नाम है उसका? आत्मा। रोशनी नहीं है, आत्मा। आत्मा कभी बनती बिगड़ती नहीं है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दैति पावका, इस श्लोक में पूरी व्याख्या कर रखी है। लेकिन हम इस आत्मा को जाने कैसे? पता तो लग गया हमें कि आत्मा अमर है, ठीक है, मान लिया, समझ लिया, आत्मा को काट नहीं सकते, मान, सर चलो ठीक है, मान लिया। अब आगे क्या करें? अब इस आत्मा को जानना है। अभी तो मान लिया, मैंने कहा आपके अंदर आत्मा है, आपने कहा हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन जान लिया क्या? क्या जान लिया? केवल मान लिया। मैंने कहा इस पंखे में करंट है, ठीक है आपने मान लिया, मान लिया, लेकिन जानोगे कैसे? जब इसमें उंगली लगाओगे जहां पर तार है, झटका लगा तो समझ लो करंट है, नहीं लगा तो समझो नहीं है करंट। इसी प्रकार जो आत्मा का ज्ञान है वो केवल सुनने का ज्ञान नहीं है कि हाँ पंडित जी ने बोला, गुरु जी ने बोला, महात्माओं ने बोला, कृष्ण जी ने बोला आत्मा है हाँ ठीक है मान लिया। ये मानने का ज्ञान नहीं है, ये जानने का ज्ञान है। अगर करंट है तो कैसा है? पंखे को हाथ लगाओ और करंट को हाथ लगाओ, एक सा अनुभव होगा क्या? जमीन आसमान का अनुभव है। पंखे को तुम 100 साल तक हाथ लगाते रहो, कुछ ना होगा तुम्हें। और अगर करंट को तुमने 1 सेकंड के लिए भी पकड़ लिया, तुम्हें झटका मार के पीछे बैग गिरा देगा वो, इतना फर्क है दोनों में। अब दोनों में पावरफुल कौन है? पंखा करंट को चला रहा है या करंट पंखे को चला रहा है? करंट पंखे को चला रहा है। अब इन दोनों में पावरफुल कौन है? शरीर की वजह से आत्मा जीवित है या आत्मा की वजह से शरीर जीवित है? आत्मा की वजह से शरीर जीवित है। और हम किसको जान के बैठे हैं, किसको मान के बैठे हैं? सब कुछ शरीर को, शरीर को। आज जितनी भी पूजा पाठ चल रही है, आज जितने भी किसी की भी पूजा चल रही है, किसकी पूजा हो रही है? शरीर की। और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ना मैं शरीर ना तू शरीर, और ये जितने भी राजा महाराजा तुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं ये भी वो नहीं है जो तुझे दिख रहे हैं, ये भी आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा तुम और मैं नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तुम, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। हम सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। किस स्वरूप में? आत्म स्वरूप में। शरीर छूट जाएगा, केले की छिलके की तरह गिर जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। इसीलिए बार बार कृष्ण जी ने यही समझाने की कोशिश करी कि तत्व ज्ञान को जान लो, असत्य क्या है, सत्य क्या है, इसका निबेड़ा कर लो, इसको पहचान लो, तभी तुम सत्य को प्राप्त कर पाओगे। कैसे करोगे सत्य को प्राप्त? अध्याय 4:34 श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जैसे अभी मैं ज्ञान जो आपको समझा रहा हूं, अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि आत्मा क्या है, कैसी है, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसको समझ में आ गया है, जिसने अनुभव कर लिया कि आत्मा होती क्या है,
केवल वही गुरु तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे सकता है, तुम्हें सत्य का ज्ञान दे सकता है। नहीं तो जितने भी गुरु मिलेंगे वो सब तुम्हें शरीरों की ही पूजा करवाएंगे। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, उसमें यह भी लिखा है कि एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी विचलित नहीं होगे कि तुम आत्मा हो या शरीर हो। जब तक मैंने करंट को हाथ नहीं लगाया तब तक मैं ये जान ही नहीं सकता कि पंखा और करंट अलग अलग हैं तो कैसे हैं। जैसे ही मैंने अनुभव किया कि अच्छा पंखे को हाथ लगाता हूं तो ऐसा लोहे का मेटीरियल हाथ में आता है और करंट को हाथ लगाता हूं तो पूरा शरीर झलना जाता है। अब दोनों को आपने अलग अलग जान लिया। अब कोई लाख बार कह दे कि पंखा ही करंट है, पंखा ही करंट है, आप नहीं मानोगे क्योंकि आपको अनुभव हो गया। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं बार बार। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, जो हवन यज्ञ नहीं करता, जो सारे संस्कारों के द्वारा जितने भी हमारे सनातन धर्म के संस्कार है उसके द्वारा क्रियाएं नहीं करता, वेद नहीं पढ़ता, बचा हुआ अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करता, वो सब पापी हैं। अध्याय 13, 14, 15, 16 उसमें इसी का जिक्र है। लेकिन जो 17वां श्लोक है अध्याय 3 में वो क्या कहता है, किंतु, ये श्लोक किंतु से शुरू किया गया, किंतु जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए ये धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। जितना कर लिया अच्छी बात है, भगवानों की पूजा कर ली अच्छी बात है, देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, आत्मा को जानना, आत्मा में रमण करना, आत्मा में स्थित हो जाना, ये है हमारे सनातन धर्म का परम लक्ष्य। और जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, हे अर्जुन, केवल वही सनातनी कहलाने योग्य होते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। अध्याय 2, 24वां श्लोक आपको गवाही देता है इस बात की जो मैं बता रहा हूं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है। सबसे पहली जो आत्मा का गुण है वो जान लो। अगर हम उन चीजों की पूजा करते हैं जो चलते हैं, अगर हम उस चीज की पूजा करें जो चलते हैं, हम कभी सनातनी हो ही नहीं सकते। कौन कौन चलता है, ये शरीर चलते हैं, ये तत्व चलते हैं, ये सोफा चल रहा है, दिख नहीं रहा आपको लेकिन चल रहा है। कैसे, हम कहते हैं यार सोफा लिया था, बहुत दिन चला, ये तो 10 साल चल गया, ये भी चल रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये तुम्हारा चेहरा चल रहा है, बचपन से लेके आज तक चलता 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 देखो कैसा हो गया। हर चीज चल रही है और जो चल रही है वो एक दिन रुकेगी, खत्म हो जाएगी। अब आत्मा का गुण क्या है, अध्याय 2, 24वां श्लोक अच्छी तरह समझ लो। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, वो कभी चलती नहीं है, वो सदा से थी, सदा है, सदा रहेगी। उस आत्मा को जानना ही सनातन धर्म है। हम लोग कहते हैं ना सनातन धर्म सबसे पुराना है, सबसे पुराना, कितना पुराना है बताओ जरा, कितना पुराना है। अगर आप बुद्ध जी की पूजा करने को सनातन धर्म कहते तो बुद्ध जी तो अभी 3000 साल पहले आए, बस 3000 साल पुराना है। और पीछे चले जाओ, कोई कहे कृष्ण जी की पूजा करना, कृष्ण जी सनातन है, कृष्ण जी 5000 साल पहले आ रहे, इतना ही पुराना है। कोई कहे नहीं जी और पीछे चले जाओ, राम जी तो 1973 में थे, बस 1973 से शुरू हुआ सनातन धर्म। कोई कहता नहीं जी और पीछे विष्णु जी थे, सतयुग से स्टार्ट हुआ सनातन धर्म, बिल्कुल नहीं।
सनातन धर्म वो धर्म है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। ये किसी शरीर का गुलाम नहीं है कि कोई भगवान जी आए तो वहां से शुरू हुआ। ये सदा से था, चाहे कोई ना भी आता तब भी सनातन धर्म था, है और रहेगा। चाहे 24 के 24 अवतार नहीं आते तब भी सनातन धर्म सदा से था। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सनातन है। क्या लिखा है अध्याय 2:24 श्लोक में? हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अछेद्य है, उसमें कोई छेद नहीं कर सकता। अदाह है, उसको कोई जला नहीं सकता। अशोष्य है, सुखा नहीं सकता उसको कोई। ये आत्मा स्थिर है, अचल है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है हमारा धर्म। और जो आत्मा को जान लेते हैं वो आत्म ज्ञानी हो जाते हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वो सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं, वो जन्म और मरण दोनों से परे हो जाते हैं, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, वो स्वयं मेरा स्वरूप हो जाते हैं। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। ये है गीता का अनमोल ज्ञान, जो आज तक हमें नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आप गीता पढ़ोगे और साथ में हमारे सत्संग सुनते जाओगे, आपको एक एक श्लोक का समझ में आने लग जाएगा कि ये बात जा कहां रही है।